नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर फाइलिंग करते समय बहुत सारे करदाताओं के अलग अलग प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं, और एक थोड़ा स्पेशल प्रश्न, विशेष प्रश्न जो मेरे पास में आया, जिस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी उपलब्ध नहीं है, मुझे लगा इस विषय पर मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊं। तो दोस्तों, टाइटल मैंने दिया क्लेमिंग टीडीएस क्रेडिट व्हेन इनकम ऑलरेडी ऑफर्ड इन आईटीआर। आप कहेंगे अनूप जी, ये बात समझ में नहीं आई कि आप टाइटल के थ्रू हमें कौन सी बात समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने ये बात रखता हूं, केस स्टडी के रूप में। अब इस केस स्टडी को समझिएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि सपोज एक असेसी है, करदाता है मिस्टर राम। उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची सर 60 लाख रुपए की। ये प्रॉपर्टी इन्होंने बेची थी 23 मार्च 2022 को, 23rd of March 2022, यानी रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर हो गया दोस्तों 21-22 टू मिस्टर श्याम। इन दिस ट्रांजेक्शन द बायर, दैट इज मिस्टर श्याम, डिडक्टेड टीडीएस ऑफ ₹60,000। नेचुरली अंडर सेक्शन 194IA बायर को सेलर से 1% टीडीएस काटना था, तो उन्होंने 60,000 टीडीएस काट भी लिया। बट श्याम, हु इज द बायर इन दिस केस, हैज डिपॉजिटेड इट एज टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24, वेयर इज द सेलर, दैट इज मिस्टर राम, हैज ऑलरेडी ऑफर्ड द कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ गया होगा, इस फैक्ट्स को या केस को समझने में ये बात क्लियर हुई होगी कि ओके, जो सेलर है उसने तो प्रॉपर्टी बेचना दिखा दिया वित्त वर्ष 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, और बायर ने टीडीएस काट दिया साहब वित्त वर्ष 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। अब इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए कि मिस्टर राम जब अपनी असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न भर रहे होंगे, तो उनको 26 AS में एक टीडीएस मिलेगा 60,000 रुपए का, और वो 60,000 रुपए का क्रेडिट अगर उनको लेना है तो उन्हें कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन आईटीआर में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जबकि वो तो पिछली आईटीआर में ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुकी है इस ट्रांजेक्शन को। और ये कोई अकेला ऐसा केस नहीं है दोस्तों, बहुत सारी जगह हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट इनकम वित्त वर्ष 22-23 में ऑफर करी और उसका टीडीएस वित्त वर्ष 23-24 में कटा। तो ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमें किस प्रकार इस मैटर को सुलझाना है, या हमें क्या समाधान इनकम टैक्स लॉ देता है, वो समाधान मैं आगे आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अब इस केस स्टडी के संदर्भ में और उसका समाधान पूरा दिए बिना आपको सीधे लिए चलता हूं सेक्शन 155 में, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पार्ट है। उस सेक्शन का टाइटल है अदर अमेंडमेंट। इस सेक्शन में दोस्तों फिनेंस एक्ट 2023 से एक सबसेक्शन 20 इंसर्ट किया गया। ये सबसेक्शन 20 बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह की केस स्टडीज के मामलों में जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। जरा इसको समझते हैं। वेयर एनी इनकम हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय एन असेसी अंडर सेक्शन 139 फॉर एनी असेसमेंट ईयर, हियर इन रेफर टू एज द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। आप ऐसा मान लें कि ईयर वन में आपने अपनी इनकम को टैक्सेशन में ऑफर कर दिया, एंड टैक्स ऑन सच इनकम हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स एंड पेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B इन अ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। क्या अब उस इनकम पर टीडीएस सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में कटा, आप मान लीजिए ईयर टू, ठीक है, तो क्या होगा? एओ शेल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द असेसी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स अमेंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और इंटीमेशन अलाउिंग क्रेडिट ऑफ सच टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एओ क्या करेगा, जिसको आप असेसी के रूप में अप्लाई करेंगे, वो उस ईयर टू के टैक्स की क्रेडिट आपको ईयर वन में देगा। ये व्यवस्था फिनेंस एक्ट 2023 से लॉ में आ गई। ये एक बहुत बड़ा क्लेरिफिकेशन है दोस्तों, और बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेगा जो मार्केट में प्रिवेल करते हैं। आप कहेंगे अनूप जी, जरा उस केस स्टडी के संदर्भ में इस बात को समझाइए। मैं अब केस स्टडी और लॉ दोनों को साथ रख के अपना डिस्कशन आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने केस स्टडी जो अभी आपके साथ डिस्कस करी वो भी रख दी, और जो मैंने लॉ रखा वो भी आपके साथ में यहां सामने दोनों बातें रखी। अब हम अप्लाई करते हैं अपनी केस स्टडी पे इस अमेंडेड लॉ को, कि हुआ क्या था। मिस्टर राम जिन्होंने 60 लाख की प्रॉपर्टी 23 मार्च 2022 को बेची, तो उनका रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर था 21-22, ठीक है सर, और असेसमेंट ईयर था 22-23।
अब मिस्टर राम ने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन पर टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 22-23 में ऑलरेडी ऑफर कर दी, जबकि उनके जो बायर हैं मिस्टर श्याम, उन्होंने वो टैक्स जमा करा दिया असेसमेंट ईयर 23-24 में। तो अब दिक्कत ये है कि मिस्टर राम को क्रेडिट चाहिए उस टैक्स की जो मिस्टर श्याम ने यानी परचेजर ने जमा करा दी असेसमेंट ईयर 23-24 में। अब लॉ क्या बोलता है कि यहां पर सेलर को क्या करना पड़ेगा, वो एक एप्लीकेशन करेंगे। किसको एप्लीकेशन करेंगे? जुरिसडिक्शन ईओ को। और कब तक करेंगे? 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स। और सर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कब हुआ है? वो हुआ है वित्त वर्ष 22-23 में। ये वित्त वर्ष खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। इससे 2 साल मिलेंगे सेलर को यानी मिस्टर राम को। वो डेट होगी दोस्तों 31 मार्च 2025। यहां तक मिस्टर राम को अप्लाई करना पड़ेगा किस चीज के लिए कि ओके एज एन एओ मेरी ये जो टैक्स क्रेडिट है असेसमेंट ईयर 23-24 में दिख रही है जबकि दिखनी चाहिए थी 22-23 में, तो वो अप्लाई करेंगे 31 मार्च 2025 तक अपने ज्यूरिसडिक्शन एओ को कि सर ये जो टैक्स की क्रेडिट एवाई 23-24 में दिख रही है इसको 22-23 में शिफ्ट करी। फिर असेसिंग ऑफिसर रिलेवेंट इंटीमेशन को या अपने असेसमेंट ऑर्डर को रेक्टिफाई करेंगे। इससे फायदा क्या होगा सर? ये जो 60,000 की क्रेडिट है किसी भी सूरत में जब मिस्टर राम अपनी रिटर्न भरेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 की उसमें क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैपिटल गेन की इनकम ही वो 23-24 में नहीं ऑफर कर रहे, तो फिर टीडीएस क्रेडिट कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, क्योंकि ये एक बड़ा मूलभूत सिद्धांत है इनकम टैक्स लॉ का कि आप अगर टीडीएस जिस इनकम पर कटा है उस इनकम को रिलेवेंट ईयर में नहीं ऑफर कर रहे तो आप उसकी टीडीएस की क्रेडिट भी नहीं ले सकते। और सेम रूल टीसीएस के लिए भी लागू होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से चलें तो क्योंकि श्याम जो कि बायर है उसने राम से जो कि सेलर है टीडीएस दिखा दिया एवाई 23-24 में जबकि वो टीडीएस था एवाई 22-23 का। तो अब अप्लाई किसको करना है? राम को यानी सेलर को। किधर करना है? ईओ को। कब तक करना है? 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच टैक्स वॉज डिडक्टेड, ठीक है। और उनके एप्लीकेशन करने के बाद में फिर ये पर्टिकुलर रेक्टिफिकेशन आएगा और ईओ जब रेक्टिफाई करेगा तो असेसिंग ऑफिसर सर इस टैक्स की क्रेडिट मेरे एग्जाम्पल में 60,000 टैक्स की क्रेडिट असेसमेंट ईयर 22-23 में देंगे एंड अकॉर्डिंगली अगर मिस्टर राम का रिफंड बनता है तो वो मिल जाएगा और अगर डिमांड खड़ी है तो उससे ये पर्टिकुलर टैक्स क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगी। इस तरीके से सर ये मामले आने वाले समय में अब सुलझाए जाएंगे। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से फिनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट के रूप में भारत सरकार ने ये जो क्लैरिटी दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे प्रैक्टिकल मामलों का समाधान एक प्रकार से सजेस्ट करती है कि जहां आपने इनकम ईयर 1 में ऑफर कर दी हो और ईयर 2 या ईयर 3 में आपका टीडीएस सब्सिक्वेंटली दिख रहा हो 26S में तो आप प्रैक्टिकली उस टीडीएस की क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, तो आपको असेसी के रूप में करदाता के रूप में ईओ के पास जाके रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट लगानी है और फिर ईओ जो सही ईयर है उस ईयर में आपको टैक्स क्रेडिट दे पाएंगे और इस प्रकार से ये समस्या का समाधान होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न भरते समय या आगे के ईयर्स में भी जब करदाताओं को ये समस्या आएगी तो ये वीडियो उनका मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।